अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तलबा और तालबात खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम सबक किस्सा यूसुफ की बुलंद खानी और वजाहत समझेंगे, जो कि आपकी किताब सूरजमुखी में सफ़ा नंबर 8, 9, 10, 11 पर मौजूद है। किस्सा यूसुफ की बुलंद खानी आप तमाम तलबा और तालिबात ने खुद करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ सबक की वजाहत दी जा रही है, तो आइए चलते हैं सबक की वजाहत की तरफ। यह आपका सबक किस्सा यूसुफ है, जिसकी बुलंद खानी आपने खुद करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको उसकी वजाहत दी जाएगी। हज़रत यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज सब मेरे सामने झुके हुए हैं। उनके वालिद ने कहा, अपना ये ख्वाब किसी को ना बताना। हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन एक माँ से थे, जबकि दूसरे भाई सौतेले थे, जो आपसे हसद करते थे, क्योंकि हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ को बहुत चाहते थे। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ के भाइयों ने कहा, अब्बा जान, यूसुफ को भी हमारे साथ चरागाह भेज दीजिए, ये भी हमारे साथ वहाँ खेलेगा। और हज़रत यूसुफ को अपने साथ ले गए और एक कुएं में फेंक दिया। वहाँ एक काफ़ला पानी लेने रुका, तो एक आदमी ने देखा कि कुएं में एक खूबसूरत बच्चा बैठा है। उसने सोचा, बच्चे को मैं अपने साथ ले जाकर फरोख्त करूँगा। इस तरह आप मिस्र पहुँच गए। वहाँ बाज़ार में अजीज़े मिस्र आया हुआ था, उसने आपको ख़रीद लिया। अजीज़े मिस्र घर ले गया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसका ख्याल रखना। जब हज़रत यूसुफ जवान हो गए, तो जुलेखा ने आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया और अजीज़े मिस्र ने उन्हें जेल में डाल दिया। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब की ताबीर बताने के लिए उन्हें जेल से रिहा कर दिया और आपने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खुश साली रहेगी और 7 साल फसल अच्छी होगी। बादशाह ने आपको खजाना संभालने की जिम्मेदारी दी, जो आपने कबूल कर ली। किनान में भी कहत पड़ा। आपके भाई गल्ला लेने आए, वो आपको नहीं पहचाने, लेकिन आपने पहचान कर कहा कि अगली दफ़ा आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगली दफ़ा बिन्यामीन को भी वो साथ ले आए। हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन को रोक लिया। इन सब ने जब हज़रत याकूब को बताया, तो वो बहुत रोए। तीसरी दफ़ा जब भाई खल्ला लेने गए, तो हज़रत यूसुफ ने बता दिया कि मैं यूसुफ हूँ, ये मेरी कमीज़ लो और अपने वालिद को दे देना, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, और अगली दफ़ा आओ तो अपने वालिद को भी साथ ले आना। इस तरह हज़रत यूसुफ़ का ख़ानदान मिस्र पहुँच गया। उम्मीद है कि आप तमाम तलबा व तालबात को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उनकी वजाहत समझ में आ गई होगी और आपने अपनी किताब से इसकी बुलंद खानी करनी है। आइए अब अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी उर्दू अदब की कॉपी में लिखने हैं। अल्फाज में बोर्ड पे आपको अल्फाज मायने दिए जा रहे हैं, जो कि आपको अपनी उर्दू अदब की कॉपी में लिखने हैं। नंबर एक अल्फाज है ताज़ीम, मायने हैं इसके इज़्ज़त करना। नंबर दो खैरख्वाह, मायने इसके
बेहतरी चाहने वाला। नंबर तीन इसरार, मायने है जिद करना। नंबर चार खदशा, अंदेशा। नंबर पाँच चरागा, चढ़ने की जगह। नंबर छः हसद, जलन। नंबर सात मामूर, मुकर्रर। नंबर आठ हुस्ने इंतज़ाम, मायने हैं इसके अच्छा इंतज़ाम। नंबर नौ कहत, मायने हैं इसके गल्ला के ना होना। नंबर दस खुश्क साली, मायने हैं इसके बारिश का ना होना। नंबर ग्यारह मनसब, ओहदा। उम्मीद है आज की किस्सा यूसुफ की वजाहत और अल्फाज मायने आपको समझ आ गए होंगे। सबसे अब आपको घर का काम दिया जा रहा है जिसमें टाइटल सफ़ा और अल्फाज जुमले बनाइए अपनी उर्दू अदब की कॉपी में। जुमले हैं यहाँ, जुमले बनाने के लिए जो अल्फाज दिए गए हैं वो ये हैं, नंबर एक बहकावा, नंबर दो साजिश, नंबर तीन खदशा, नंबर चार बर्ताव, नंबर पाँच खोशा, नंबर छः बिनाई, नंबर सात तकरीब। सबसे पहले तो आपको अपना सबक का टाइटल सफ़ा बनाना है, फिर अल्फाज जुमले आपने लिखने हैं, उसके बाद आपने अल्फाज मायने अपनी उर्दू अदब की कॉपी में करने हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।